उत्तराखंड विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के नेता लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव न लड़ने की घोषणा करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने पलटी मारते हुए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। हरिद्वार से राम गोपाल की रिपोर्ट। ये लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, मैं क्योंकि मैंने राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मना किया है। लोकसभा चुनाव मैं जरूर लड़ूंगा, और चाहे हरिद्वार से पार्टी लड़ाती है या कहां से लड़ाती है, ये अगर मुझे चुनाव लड़ाया जाएगा तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। यही मानना है कि आप लोग इकट्ठे हुए हैं, अच्छी बात है। मिलकर के कांग्रेस के हित के लिए काम करने चाहिए, मिलकर के प्रदेश के हित के लिए काम करना चाहिए। आने वाली कांवड़ मेला है, इसमें भी कांग्रेस के लोगों को कांवड़ियों की मदद करनी चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। मेरा तो भाव यही है कि ये लोग